हेलो भैया, आपने फोन काट दिया यार। कैशबैक कैसे आएगा वो तो बताओ। अरे तुमको नहीं मिलेगी, ठीक है? तुम रखो फोन, दोबारा कॉल नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा खाता से पूरा बैलेंस निकल जाएगा। मैं पक्का 100% बता सकती हूँ कि ये कोई कॉल नहीं है जान तारा के अलावा। जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज चली हुई है ना, वो है ये कॉल। हेलो गाइस, तो ये वाली जो वीडियो थी वो प्लान्ड नहीं थी, क्योंकि हादसे और स्कैम्स वगैरह जो हैं वो प्लान के साथ नहीं आते, वो बिन बुलाया जाते हैं। तो एक्चुअली ये वाला जो सीन है, ये मेरे साथ पिछले महीने भी हुआ था, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई और उसने पहले ही फ़ोन काट दिया। बट इस बार मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए भी, ताकि आप लोग इस स्कैम में ना फंसें। ये वीडियो कोई भी क्लिकबेट नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है जो कि आज मेरे साथ हुआ है। तो अगले 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आप इस स्कैम का, अगर आपको कॉल आता है तो आपको कैसे बचना है, कैसे नहीं फंसना है। तो लेट्स गेट इनटू इट। हाँ जी, आप फोन पे इस नंबर पे यूज कर रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी, आपके नाम से कैशबैक मिली है 4,510 रुपीज मैम। तो आपको रिसीव करना है या कैंसिल करना है? कैसे, मतलब कहाँ से आई है भैया ये? कंपनी से आपको मिली है, फोन पे कंपनी से मिली है आपके नाम से। अच्छा, तो आपको रिसीव करना है तो अकाउंट में चले जाएगी, ठीक है? कौन से अकाउंट में? जी फोन पे जो लिंक किया हो ना अकाउंट। फोन पे ऐप खोलनी पड़ेगी मुझे? हाँ, फोन पे ऐप को खोलना पड़ेगी तो अकाउंट में आपको जमा होगी। एक सेकंड, ऐप ओपन करनी पड़ेगी भैया? हाँ, ओपन करो ऐप को। अच्छा ठीक है फिर। जी देखिए, आपको नोटिफिकेशन में बेल आइकन घंटे में आपको क्या बता रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है। जीरो बता रहे हैं या न्यू नोटिफिकेशन बता रहे हैं? कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कोई नई नोटिफिकेशन नहीं है। बेल आइकन घंटे को टच कीजिए। अच्छा ठीक है, टच किए? हाँ जी किया। देखिए 4,510 रुपीज आपको दिख रहे हैं अमाउंट? हाँ जी दिख तो रहा है। हाँ जी, उसको अकाउंट में रिसीव कीजिए। देखिए वहाँ आपको ऑप्शन में क्या बता रहे हैं, डिक्लाइन लेटर POI दिख रहे हैं? हाँ जी। हाँ, POI पर टच कीजिए, आपका अकाउंट नंबर वहाँ आएगी, ठीक है? ठीक है, अकाउंट में आपको सेंड करना है, POI पर टच कीजिए पहले। तो भैया ये तो मतलब आप कह रहे हो मुझे तो कैशबैक मिलेगा ना? जी। तो मैं पे क्यों करूँगी कैशबैक अगर मिलेगा? तो आपके अकाउंट में सेंड करना है, अकाउंट में आपको सेंड करना है, आपको वॉलेट में जो दिख रही है ना बैलेंस, इसको अकाउंट में रिसीव करना है मैम। एक सेकेंड, कैशबैक तो तब आएगा ना भैया जब मैंने कुछ खरीदा होगा या कुछ पे किया होगा। जब मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है तो मेरे को कैशबैक क्यों आएगा, वो भी इतना ज्यादा? जी आपके देखिए कंपनी क्वारंटाइन जो चल रही थी ना मैडम। हाँ जी, इसी के माध्यम से आपको दी जा रही है मैडम। तो इतना मतलब कुछ परसेंटेज है क्या ये कैशबैक का जो दे रहे हो आप? हाँ जी, ये आपको कंपनी ऑफर में दे रही है, आपको वापस नहीं करना पड़ेगी मैम। तो मतलब कितना परसेंटेज कैशबैक है भैया ये? क्या कितना परसेंटेज कैशबैक है? क्योंकि जब भी हम कुछ नई चीज खरीदते हैं या कुछ पे करते हैं तो उसका 10% या 25% कैशबैक आता है। अब मुझे क्या पता ये कितना परसेंटेज है कैशबैक का? जी जी, ये परसेंटेज आप खरीदे या जमा कीजिए उससे मतलब नहीं है, ठीक है? ये फोन पे आपके नंबर से जो चल रही थी इसी के माध्यम से आपको मिल गया मैडम। और अच्छा, अगर मैं डिक्लाइन कर दूं फिर कंपनी को वापस हो जाएगी मैडम ये तरह? तो अगर मैं पे करूं तब भी तो कंपनी को ही जाएगा पैसा, तभी तो कैशबैक आएगा? जी देखिए, आपके अकाउंट में बैलेंस जमा होगी, ठीक है, क्रेडिट होगी मैडम। मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा? हाँ, आप इससे जमा कर सकती हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकती हो, नगद कैश बना सकती हो, कोई शॉपिंग कर सकती हो। अच्छा, मैं ये पैसा मतलब अगर मेरे को कैशबैक आता तो मैं कुछ भी यूज कर सकती हूँ? मॉल में भी यूज कर सकती हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी। अगर मेरे को हॉस्पिटल में जरूरत पड़े तब भी? जी आप अकाउंट में आपको अगर मिल जाती है तो अकाउंट से निकाल सकती हो ना। कितनों को दिया हुआ ये कैशबैक, कितना मतलब कंपनी कितनों को दे रही है ये? जी जिस नाम से चल रही है ना सारे को मिल रहे हैं। सबको, जो भी फोन पे यूज कर रहे हैं सबको मिल रहा है? जी। तो इससे तो कंपनी को लॉस नहीं होगा? जी नहीं मैडम, देखिए इतना आपको सरकार जो दे रही है इस साल, तो सरकार को लॉस नहीं हो रहे क्या? वही तो मैं कह रही हूँ, मतलब ठीक है अगर आप थोड़ा हेल्प भी करना चाहते हो कस्टमर की, तो कंपनी अपना इतना लॉस क्यों करेगी कि जितनों के पास फोन पे ऐप है सबको आप 4,000-4,500 पे कर रहे हो? इससे तो कंपनी को नुकसान ही होगा ना, इससे फायदा क्या हो रहा है कंपनी को? जी फायदा कुछ दिन हुआ था ना, फायदा जो होता है आप जो खरीद बिक्री करते हैं उससे आप कंपनी को फायदा नहीं होते हैं। तो ये जो कैशबैक, अगर मैं मेरे को 60 मतलब पूरा 4,510 पूरा कैशबैक आएगा? जी पूरा आएगा।
कितनों को कॉल करते हो दिन में भैया, कितने के कर देते हैं ये पे? फोन कट हो गया भाई। ये मेरे को पहले भी आया था कॉल, पता है इसका? आई थिंक लास्ट मंथ आया था मेरे को इसी का कॉल, पता नहीं। तुमको बोलना चाहिए कैसे बेवकूफ कितनों को बेवकूफ बना। मैं उसी तो पॉइंट पे आ रही थी मैं कि कितनों को बेवकूफ बनाते हो आप। डिक्लाइन की उसको? डिक्लाइन किया? मैंने करना ही कुछ नहीं है, मैंने नोटिफिकेशन टच ही नहीं करूंगी मैं क्यों करूँ डिक्लाइन और पे यार, हद हो गई है ये। हेलो भैया, आपने फोन काट दिया यार, कैशबैक कैसे आएगा वो तो बताओ। अरे तुमको नहीं मिलेगी, ठीक है? तुम रखो फोन, दोबारा कॉल नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा खाता से पूरा बैलेंस निकल जाएगा। भैया ये कितनों को बेवकूफ बना लेते हो एक दिन में आप, ऐसे धमकी देख रहे हो कैसे दे रहा है ये एटीट्यूड? देखा तुमने पहले जब कैशबैक तो हेलो मैम हाँ जी, और अब मैंने इसको बैक कॉल किया, मैंने कहा पूछती हूँ। बाप रे यार, मतलब मुझे तो गुस्सा आ रहा है सही में। अब फिर से कॉल नहीं, तुमने देखा इसको कैसे धमकी दे रहा था कि कैश निकालेंगे अकाउंट से? कि मैं पक्का 100% बता सकती हूँ कि ये कोई कॉल नहीं है जान तारा के अलावा, जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज चली हुई है ना वो है ये कॉल। नमस्कार, कॉल किया था मैंने भी, ठीक है, और रिंग गई भी है उस बंदे की, फोन काट दिया उसने। पैसे नाम क्या लिखा? राम कुमार आ रहा है नाम लिख के इसका, वेस्ट बंगाल की सिम में, मैं बता रही हूँ ये नंबर गाइस, इस नंबर से। और वैसे भी यार ये ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती इस नंबर से आपको कॉल आएगा, क्योंकि दिन के पता नहीं हजारों नंबर ये चेंज करते हैं दिन के। अगर ये 50 लोगों को कॉल करते होंगे ना, उसमें 10 तो फंस ही जाते होंगे, और ये 10 फंसते हैं एक बंदे से 4000 लेते हैं, तो आप सोच लो कि कितना पैसा इनके पास एक दिन में आता है। फोन पे भी कोई भी कैशबैक आए ना वो फेक ही होगा, जब तक आपको उसकी नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आती है फोन पे से, मुझे नहीं आई थी। लेकिन अगर आपको फोन पे से रिलेटेड कोई भी कॉल आता है ना, कैशबैक या कुछ भी, आपको ये यार मिलेगा वो, ये फेक है मैं बता रही हूँ, प्लीज इस स्कैम में मत फंसना।